कि मैं कौन हूं, किसलिए इस गर्भ के अंदर आया हूं। जी बार बार प्रार्थना करता कि आज मैं किसकी शरण के अंदर जाऊं, जिसकी शरण के अंदर जाने से मेरे को आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिले। अंत में ध्यान करता है जिस परमपिता परमात्मा ने मां के गर्भ के अंदर मेरे को जन्म जो और श्वास दिया, मैं उसी के चरणारविंद का ध्यान करता हूं। जी प्रार्थना करता है कि प्रभु जी मोरे अब गुण चित मांदरियो, हरि जी मोरे अब गुण चित मांदरियो। समदर्शी है नाम त्योहार हो सब हरि जी मोरे अब गुण चित मांदरियो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित मांदरियो। एक नदिया एक नाल का जब दोनों मिली एक बरन वे, जब दोनों मिली एक बरन वे, सुरसरी नाम परो हरि जी मोरे अब गुण चित मांदरियो, प्रभु जी मोरे। संत महापुरुषों के मुखारविंद से भी सुना था, प्राणों की कथाओं को भी मैंने सुना था, मनुष्य के चोले के बिना संसार सागर से पार उतारने को वाला कोई भी चोला नहीं। और मैं गर्भजून के अंदर फंसा हुआ बार बार प्रार्थना करता हूं कि जन्म दो, मैं मातलोक के अंदर जाकर के आपके चरणारविंद का ध्यान करूंगा। सूजी कहते ऋषि वरों जी बार बार जब प्रार्थना करता है प्रसूति वायु के द्वारा प्रेरित होकर के मातलोक के अंदर आकर के ऐसे जन्म लेता है जैसे कि मिश्रा के अंदर पड़ा हुआ कीड़ा होता है। जन्म लेते ही बाहर की वायु जब लगती है बच्चा रो देता है, घर के भाई बहन प्रसन्न है कि घर के अंदर बच्चे नहीं जन्म, मेरी आत्मा पापों से लिप्त होकर के नरकों की जाकर के ठोकरे खाए। इसलिए मैंने अपने तप बल के द्वारा योग बल के द्वारा अपने प्राणों को रोक रखा, तेरा इंतजार करने लगा। आज तू इस सभा के अंदर आ गई, मैं अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित भरी सभा के अंदर सभी के सामने कर रहा हूं। कर याद ओ वादे करके जो आया है, कर याद ओ वादे करके जो आया है, इस दुनिया विच आके याद
कुछ भी नहीं रखिया बीजेपी मंडल नवाशहर और इस सभा के अंदर ललितमोहन पाठक जी प्रधान जी पधारे हुए हैं, क्योंकि समय का अभाव जान करके ना, और सतवीर जी पल्ली चक्की वाले भी इस मंडल के अंदर आए हुए हैं। अब मैं कुछ शब्द और श्री नेत्रदान संस्था की ओर से संस्था के प्रधान डॉक्टर जेडी वर्मा जी कुछ चंद शब्द। आज हम स्वर्गीय श्रीमती संतोष चोपड़ा जी को अपने अंतिम श्रद्धा के फूल भेंट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वर्गीय श्रीमती संतोष चोपड़ा जी बहुत ही नेक विचारों के धार्मिक विचार रखना, दीन दुखियों की सहायता करना, दूसरों को अच्छी सलाह देना, सहनशीलता, नम्रता उनके जीवन के गहने थे। साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत यश अर्जित किया, क्योंकि आज उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे काफी अच्छे स्थानों पर अब विराजमान हैं, जिससे वो अपने देश, समाज और परिवार की सेवा कर रहे हैं। श्रीमती संतोष चोपड़ा जी में सेवा भावना इतनी भरी हुई थी। मुझे याद है जब उनके स्वर्गीय पति श्री चोपड़ा जी का देहांत हुआ था, तो उन्होंने खुद फैसला लिया था उनकी आंखें दान करने का, और जब इनका अंतिम समय अर्पण तेरा प्रभु तुझे को अर्पण क्या लागे हो मेरा ओम जय जगदी शहरी जय जगदी शहरी स्वामी जय दीना नाथ हरे भगत जनों के संकट दास जनों के श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। शांति हो भक्त्या शांति वनस्पत्या शांति।
शांति विश्व देवा शांति साम शांति रे विश्व शांत भवतु विश्वानि देव सवितुर्भूतानि परासुवर्यदतन तन्मयात्व इमारुद्धाय कपते कपदिने शैत्यराप्रामे मति यथा शमसतिपदे चतुपदे विष्टं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् मनातुरं एकं ते देव सवितुर् यज्ञं प्राहुर्दशते ब्रह्मणे तेन यज्ञवति तेन मनो ज्योतिर्जुगत् राजसजगर्मन्तमोतुटकं समिमं ददातु विश्वे देव संकटे च विगलतस्य न जायते महागणाधी पते नमो नमः महाकाय सुरकोटी संप्रभु का शुगणपते नमो नमः नमस्कार समर्पयामि भक्ते दुर्गा देवे नमः नमः ओम जयंत मंगल काली भद्रकाल कपालिनी दुर्गा शमाशिपादाति स्वस्वता नमस्तुते सुजलं समर्पयामि प्राण शुतमाय नमो नमः प्राण शुतमाय नमः मंगल सूत्रं समर्पयामि प्राण शुतमाय नमो नमः नमस्कारं समर्पयामि प्राण शुतमाय प्राणशुक्माय नमो नमः सूत्रं समर्पयामि प्राणशुक्माय नमो नमः पंचदी पंचनगीतं समर्पयामि श्रोतृभ्यः वर्धोभावपदे शब्दभ्यै नमो नमः नमस्कारं समर्पयामि श्रोतृभ्यः वर्धोभाव देवादिदेवभ्यै नमो नमः प्राण वेदों को जानने वाले
सौ वर्ष का यज्ञ पूर्ण करने के बाद सूजी महाराज आज के छोटे थे, छोटी अवस्था के अंदर उनको दिव्य ज्ञान था। कृपा करके हमें वह नरक वर्णन भी सुनना चाहते हैं कि जो लोग महातलोक के अंदर बुरा कर्म करते हैं सुना में नरकों में जाते हैं। पहले तो अच्छा कर्म करने वाले तो स्वर्ग को चले जाते हैं, मगर आज इस कथा को भी सुनाइए। उनके चरणारविंद के अंदर बैठे थे गरुड़ जी, हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप लोग के अंदर आकर के ज्ञान मांगने को था, जैसे आपकी मनोवृत्तियां बराबर नहीं होती, इसी प्रकार हर प्राणी का मन भी जैसा नहीं होता। अपना मन निकाकर ताकत द्वारा प्रभु चरणों के साथ जुड़िए। आज हम सब मिलकर के इस अंतिम अरदास के अंदर इस सभा के अंदर बैठे हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है उस साधना के प्रति प्रभु के नाम का स्मरण किया जाए। मिलकर के बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद, विष्णु गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोविंद, हरे गोविंद गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संत समाज की नहीं कौन विद फिर चाहे कल्याण, दो बातों को भूल मत, अरे जो चाहे एक नारायण मौत को मां के गर्भ के अंदर जरा उसके अंदर बना हुआ दैवी कोख के अंदर प्रवेश कर भाव किया गया, किन्हीं की नयन चक्र काटता जा रहा है। भूख और प्यास आती है, मां के द्वारा खाए गए पदार्थ शरीर के अंदर जाकर कुछ वेदना भी करते हैं, गद के किले शरीर को काटते हैं, जी और चलाने में जब शांत होता है दैवियों के कारण इसको सौ जन्मों के पीछे की याद आती है कि मैं कौन किस लिए इस गर्भ के अंदर आया हूं। जी बार बार प्रार्थना करता कि आज मैं किसकी शरण के अंदर जाऊं, जिसकी शरण के अंदर जाने से मेरे को आवागमन के चक्र से छुटकारा मिले। अंत में ध्यान करता है जिस परमपिता परमात्मा ने मां के गर्भ के अंदर मेरे को जन्म आज और स्वाद दिया, मैं उसी के चरणांत का ध्यान करता हूं। जी प्रार्थना करता है कि प्रभु जी मोरे अब गुण चित मांगरियो, हरि जी मोरे अब गुण चित मांगरियो, समदर्शी है नाम त्योहारो, हरि जी मोरे अब गुण चित नांदरियो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित नांदरियो। एक नदिया एक नाल कारो, जब दोनों मिली एक बरन बरन में, सुरसरी नाम
परो हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरियो प्रभु जी मोरे। प्रभु आपके नाम के अंदर इतनी ताकत है जैसे एक नदी के अंदर आकर के गंदा नाला जब उसका जल उसके अंदर मिल जाता है तो सुरसरी नाम पर हो तो उसको भी अपना रूप दे देता है। इसलिए आज मैं मोह जाल के अंदर फंसा हुआ जिन भाई और बंधुओं के लिए मैं बुरा कर्म करता रहा सुख के साथी सब दूर है। आज मैं अकेला ही पूजा मेरा एक कार्यवादिक परो पारस गुण अब गुण नहीं जाने पारस गुण अब गुण नहीं जाने चितवत कंचन करत करो प्रभु जी मोरे अब गुण चित वह मंदिर के अंदर पूजी पूजी जाती है उसी धातु का बना हुआ हथियार कसाई के घर के अंदर खाद उतारने वाला हथियार होता है। पारस नाम का पत्थर जब उसका स्पर्श करता है वह ये नहीं देखता कि मंदिर की मूर्ति है जहां कसाई के घर का हथियार है और कंचन कर खरों से भी सोना बना देता है। इसी प्रकार हे देवादिदेव संत महापुरुषों के मुखारविंद से भी सुना था प्राणों की कथाओं को भी मैंने सुना था मनुष्य के चोले के बिना संसार सागर से पार उतारने वाला कोई भी चोला नहीं। और मैं गर्भजून के अंदर फंसा हुआ बार बार प्रार्थना करता हूं कि जन्म दो मैं मातलोक के अंदर जाकर के आपके चरणारविंद का ध्यान दूंगा। सूजी कहते ऋषि बोलो जी बार बार जब प्रार्थना करता है प्रसूति वायु के द्वारा प्रेरित होकर के मातलोक के अंदर आकर के ऐसे जन्म लेता है जैसे कि मिश्रा के अंदर पड़ा हुआ कीड़ा होता है। जन्म लेते ही बाहर की बाजू जब लगती है बच्चा रो देता है घर के भाई बहन प्रसन्न है कि घर के अंदर बच्चे नहीं देते। कहते हैं कि जितना माँ के घर के अंदर ज्ञान रहता है बच्चा रोता है भाई बहन प्रसन्न है कि घर के अंदर बच्चे नहीं देते। कहते कि माँ को अंदर आकर के इतने अच्छे कर्म किए जाए संसार सागर के अंदर जमीन जायदाद धन दौलत सभी कुछ पास होते हुए भी और शरीर के अंदर जब वेदना का कष्ट आए यदि उसको कहा जाए तो तेरे स्वर को भाग भाग नहीं तो दुख काए को जितना चित राम में उतना हरि में हो सीधा जाए वैकुंठ को तेरी बाँह पकड़े ना को। तीसरी बात है पुराणों की कथाएं सत्संग के अंदर बैठ करके कुछ ज्ञान उत्पन्न होता है। प्राणी जब उस सत्संग के अंदर बैठता है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि बिनु सत्य संग बवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा
कृपा करे सब कोई। जब प्रभु की कृपा होती है तो प्राणी का मन प्रभु चरणांगद के साथ जुड़ जाता है। चौथी बात है शमशान भूमि का दृश्य। कहते हैं कि जब किसी मुर्दे को उठा करके जलते हैं, पीछे आगे चलने वाले कहते हैं कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। कि माली आवत देख, माली आवत देख के कन्या करे पुकार, पुली पुली चुन लई और कली हमारी बार। इसलिए बार बार वेद प्राण गाते हैं, सत्य है तो ईश्वर का नाम सत्य है, सत्य है तो मृत्यु सत्य है। ऐसा जान करके कहते कि जन्म देने वाली मां के अलावा कोई और उठा ले जाए बच्चा भूल नहीं सकता। मां ही जानती है कि बच्चे को क्या वेदना है। मां और प्राणों के अंदर वर्णन किया गया है, दुर्गा सप्तशती के अंदर भी वर्णन किया गया है, पुत्र को पुत्र हो सकता मगर आने वाला समय जो उनका भविष्य जो है ना सुख शांति से मिले और उनके किए गए पापों का प्राचित इसी लोक के अंदर हो जाए, ताकि उनकी आत्मा पापों से लिप्त होकर के यहां से जाए। बड़ी सभा के अंदर भीष्म पितामह शेष शैया के ऊपर लेटे हुए, भीष्म पितामह जी कहने लगे बेटी मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न मैं करता हूं, पहले मेरे प्रश्न का तुम उत्तर दे दो, बाद में तेरे प्रश्न का उत्तर तेरे को अवश्य भी मिल जाएगा। कहने लगे शरीर के अंदर एक कांटा लग जाए बेटी क्या रात को नींद आएगी, बैटरी कब पड़ेगी तो नींद भी टूट जाएगी। क्या ये बात मैं कह रहा हूं सत्य है? द्रौपदी ने सर हिला करके कहा कि हाँ मां। कहते हैं कि मेरी तरफ मेरी आत्मा पापों से लिप्त होकर के नरकों की जाकर के ठोकरें खाए। इसलिए मैंने अपने तप बल के द्वारा योग बल के द्वारा अपने प्राणों को रोक रखा, तेरा इंतजार करने लगा। आज तू ही सभा के अंदर आ गई, मैं अपने किए हुए पाप का प्राचित भरी सभा के अंदर सभी के सामने कर रहा हूं। सत्याचार को रोक सकता था मगर मैं कौरवों के घर के अंदर रहता था, कौरवों का अन्न खाता था, जैसा उनका अन्न था वैसा मेरा मन हो गया, जिसके कारण मैं तेजहीन बलहीन हो गया और उनको महापाप करते हुए रोक ना सका, जिसके कारण मेरी आत्मा पापों से लिप्त हो गई। आज बेटी मैं उसी पाप के प्राचित के लिए तेरा इंतजार कर रहा था, मुझे क्षमा करना। सूजी कहते ऋषि वरों इतनी सी बात करते करते भीष्म पितामह जी ने तमल के द्वारा जो प्राण के रोक रखे थे सभी के सामने बयात्मा शरीर को छोड़ करके परमात्मा के अंदर वलीन हो गए। क्योंकि जे संसार ऐसा है, मनुष्य का चोला ऐसा है, किए हुए पापों के प्राचित करने का भी एक मार्ग है। कहने लगे एक बार की बात है, राजा बभ्रुवाहन साथियों को साथ लेकर के जंगल के अंदर शिकार करने के लिए चले गए। शिकार करते करते एक ऋषि आश्रम के अंदर पहुंचे, सामने से बड़ी मधुर आवाज आ रही थी,
कि गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण, शामिल करके बोलिए, हरे मुरारे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपकी वाणी के द्वारा संतोष चोपड़ा जी, जिन्होंने अपना जीवन बड़ी साधक वृत्ति के द्वारा बच्चों की लालन पालन करते हुए भी मन प्रभु के चरणारविंद के साथ जोड़ा, पुराण वर्णन करते हैं, कहते कि थोड़ी सी बीमारी आए और मृत्यु आ जाए, जाने वाले के लिए तो ये स्वर्ग है, पीछे वाले और उनके हृदय को जो चोट आती है और उसकी मलम पट्टी किसी के पास नहीं है। यदि ऐसा होता तो प्रभु राम क्या अपने पिता को जीवित रख सकते थे? यदि ऐसा होता तो भीष्म पितामह भी अपने प्राणों को रोक न रख सकते थे? यदि ऐसा होता तो राजा नल, जिसके अंदर इतनी ताकत थी, सेकंडों के अंदर बांध चलाने वाला, मेहंदी के वृक्ष के पत्तों को जो छलनी करने वाला था, बाजू के वेग के समान रथ के घोड़ों को दौड़ाने वाला राजा नल, उसको भी संसार छोड़ करके जाना पड़ा। जो जन्म है उसकी मृत्यु जरूर है, जो मर चुका उसको जन्म भी जरूर है। और उस समय इसलिए बार बार कहा जाता है कि वाणी का उच्चारण कीजिए कि गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। सोचे कहने लगे कि संत जी ने बतलाया, और उस समय भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हुए, और संतों का कर्तव्य है सोए हुए को जगा। ओ दुनिया दे बंदिया कदे गल विचारिए, इस दुनिया विच आके याद भी कुछ भी नहीं रखिया, भूल के अकाल करा संसार, मोह माया विच पैके मूस तो नाता तू जोड़िया, विषया
मगर जिस समय मेरे कोई संतान नहीं थी जिसके कारण मैं अकेला ही था, मृत्यु के गोश के अंदर आ गया, मरने के उपरांत मेरा अंतिम अरदास करने वाला कोई नहीं था, ना मेरा कोई खोड़सी संस्कार सोड़ा करने वाला था जिसके कारण मेरी आत्मा आज प्रेत रूप के अंदर घूम रही है। राजन मैं बहुत दुखी हूं, इस वन के अंदर कितना स्वच्छ जल है, मेरी प्यास इतनी बढ़ गई मैं प्रेत बने के काम। तो राजा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। प्रेत कहने लगा, मैंने सुना है सत्संग के अंदर जितने भी प्राणी बैठे कथा को सुनते हैं, अंतिम अरदास के समय यदि चक्र से छूट करके प्रभु चरणार के अंदर उसका वास होता है। दूसरा मैंने सुना है नारायण बलि, जो कि संतोष जी के बेटे विकास जी ने बड़ी भावना के द्वारा जाकर के कंखल के अंदर जाकर के अस्थियां विसर्जित करें, कुशाघाट के ऊपर जाकर के पिंडदान की और हड्डी पौड़ी के ऊपर जाकर के स्नान करने के उपरांत भेड़ा क्षेत्र के अंदर जाकर के उन्होंने नाथ बलि दी। प्राण के अंदर एक एक शब्द लिखा गया है कि कैसे पुत्र का कर्तव्य है और मित्र को स्नान करना और हड्डी के ऊपर जा करके कैसे एक एक पग चल करके शमशान भूमि की तरफ जो पुत्र चलता है, पुराण वर्णन करते हैं अशर यज्ञ करने का फल होता है। कहते हैं कि एक ही बेटा हो जो कुल को तारने वाला हो, मां ने संस्कार ही इतने अच्छे दिए, छोटे छोटे पाल पोस करके इतने का विवाह संस्कार भाई और बहनों का मेरे हाथों हुआ, मां ने संस्कार इतने अच्छे दिए, मां एकदम भी छोड़ा दे करके चली गई, ये तो नसैनी चोट है। मगर प्राण कहते कि जाना तो हर प्राणी नहीं है, शरीर ऋण करके ना जाए, चलती आजू के अंदर मृत्यु आ जाए, स्वर्ग के समान जो मृत्यु है। तो सारा संवाद राजा को उस प्रेत ने बता दिया और कहने लगा कि यदि मेरा ये उपाय किया जाए तो मेरे को गति मिल जाएगी। राजन मैं आपको हाथ करो, हाथ पकड़ कर राजा के हाथ में रत्न पड़ी रख दी। वार्तालाप चल रही थी, घोड़ों की पांव की आवाज आई, मैं पेट डर गया। राजा कहते डरो नहीं, मेरे साथी मेरे को ढूंढ क्यों आ रहे, फिर पुनः बार बार प्रार्थना करता हुआ छुपा हो गया। मंदिर सनातन धर्म सभा जिस्ट नवाशहर, रोटरी क्लब नवाशहर, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, शिव मंदिर दाणा मंडी, शिरडी साईं धाम, छोटी सिटी नवाशहर, शमशान भूमि भुचरा मल्ला, बीजेपी मंडल नवाशहर और इस सभा के अंदर ललितमोहन पाठक जी प्रधान जी पधारे हुए हैं, क्योंकि समय का अभाव जान करके ना। और सचवीर जी पल्ली चक्की वाले भी इस मंडल के अंदर आए हुए हैं। अब मैं कुछ शब्द और श्री नेत्रदान संस्था की ओर से संस्था के प्रधान डॉक्टर जेडी वर्मा जी कुछ चंद शब्द और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद प्रार्थना है कि परिवार की ओर से कि पगड़ी की रस्म
बाद पगड़ी की रस्म की जाएगी। रिश्तेदार समुदाय के अलावा शगन डाले परिवार में कुछ धनराशि अर्पण की है माता जी की याद के अंदर। गौशाला मूसापुर रोड के लिए, पार्क मंदिर मुक्ति धाम के लिए, वैदा मंदिर के लिए, सनेही मंदिर के लिए, राम भवन भुत्रा मल्ले के लिए, बन्नावाल शिवाला के लिए, लैरगेट मंदिर के लिए, साई मंदिर के लिए, कच्चा टोबा मंदिर के लिए, गौशाला पंडोरा मल्ला के लिए, चोपड़ा सती के लिए और बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए, श्री विश्वकर्मा मंदिर के लिए दान राशि माता जी की याद के अंदर अर्पण की है। अब मैं डॉक्टर जतीश से कहता हूँ कि आए श्रद्धांजलि अर्पण करें। आज हम स्वर्गीय श्रीमती संतोष चोपड़ा जी को अपने अंतिम श्रद्धा के फूल भेंट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वर्गीय श्रीमती संतोष चोपड़ा जी बहुत ही नेक विचारों के धार्मिक विचार रखना, दीन दुखियों की सहायता करना, दूसरों को अच्छी सलाह देना, सहनशीलता नम्रता उनके जीवन के गहने थे। साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत यश अर्जित किया, क्योंकि आज उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे काफी अच्छे स्थानों पर अब विराजमान हैं, जिससे वो अपने देश समाज और परिवार की सेवा कर रहे हैं। श्रीमती संतोष चोपड़ा जी में सेवा भावना इतनी भरी हुई थी। मुझे याद है जब उनके स्वर्गीय पति श्री चोपड़ा जी का देहांत हुआ था तो उन्होंने खुद फैसला लिया था उनकी आंखें दान करने का, और जब इनका अंतिम समय आ गया जो कि वृद्ध प्राणी का एक दिन आना ही आना है, तब इन्होंने इनके बच्चों ने इस सेवा के काम को करने का फैसला लिया। जाने वाला व्यक्ति एक होता है लेकिन वो लाइट रोशनी दो व्यक्तियों को देकर जाता है, जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, क्योंकि उसकी ही दो आंखों से अगले दो व्यक्तियों ने संसार को हरा भरा सुंदर देखना होता है। आप सबको जानकर बड़ा दुख होगा कि हमारे हिंदुस्तान देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको इन आंखों की जरूरत है, लेकिन उसके बदले सिर्फ हजारों की गिनती में दानी सज्जन हैं। पर नमस्कार आई डोनेशन एसोसिएशन पिछले 12 साल से इस सेवा के काम में संतुलित है और आज तक 480 या 82 के ऐसे लोग हैं जो मरण उपरांत अपनी आंखें दान करके गए हैं। इन्हें अनमोल मोती कहा जाता है आंखों को, क्योंकि मरने के बाद जब हमारे श्वास पूरे हो जाते हैं 6 से लेकर 8 घंटे तक हमारी आंखें जीवित रहती हैं, इसीलिए इन्हें अनमोल मोती कहा जाता है, क्योंकि इनका और कोई बदल नहीं है, सिर्फ आंखों मिलने पर ही दूसरे को आंखें दी जा सकती जिसकी रोशनी नहीं होती। जितने दूसरे अंग हैं हमारे लिवर है, हार्ट है, लंग्स हैं, इनकी ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाती है अगर श्वास होते होते दान कर दिया जाए, लेकिन आंखें ऐसी अनमोल चीज है जो श्वास पूरे होने के बाद भी 6 से लेकर 8 घंटे तक जीवित रहती हैं, जो कि हमें घर बुला के इनको इस सेवा के काम को किया जा सकता है। हम सबको भी स्वर्गीय श्रीमती संतोष चोपड़ा जी की तरह मन में एक संकल्प लेना चाहिए, दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए, जब भी कभी ऐसा मौका अपने मोहल्ले में हो, अपने परिवार में हो, ताकि सभी इस सेवा के कार्य में आई डोनेशन एसोसिएशन का सहयोग करके इस सेवा कार्य को और भी आगे बढ़ाया जा सके, जिससे जो लाखों लोगों को जरूरत है उसको पूरा करके सबको अंधा मुक्त किया जा सके, सबकी रोशनी को बरकरार किया जा सके। परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ, जो हमसे आत्मा बिछड़ गई है परमात्मा परमेश्वर से अपने चरणों में स्थान दे तथा परिवार के सभी सदस्यों को ये दुख ये कमी
ये कम सहने की शक्ति दे तथा परिवार के सभी सदस्य हमेशा उनके बताए गए अच्छे मार्ग पर चलते रहे, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले तथा परिवार के ऊपर विश्वास के आशीर्वाद बना रहे, यही परमात्मा के जन्म प्रार्थना है, परमेश्वर के जन्म प्रार्थना है। मैं अपनी संस्था आई फाउंडेशन एसोसिएशन श्री रामचंद्र सेवा संस्था की तरफ से परिवार के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट करता हूँ इस दुख की घड़ी में, और जब भी हमारी संस्था की कभी जरूरत हो दोनों संस्थाएं परिवार के साथ हमेशा मिल सकती है। अब मैं आई फाउंडेशन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा ये परिवार को एक सम्मानजन संस्था की तरफ से भेंट करे और बेटे विकास चोपड़ा से प्रारंभ एक प्रति आगे आ जाए। धन्यवाद। अब आदरणीय पंडित जी अगले कार्य को पूर्ण करेंगे। स्वामी जयदीना नाथ हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अवहु बंसीवाला दूर करे। ओम जय जगदी शहरे जो जावे पल आवे तो करे न से मन का स्वामी संपत्ति कर आवे श्याम सुंदर कर आवे कष्ट मिटे। ओम जय जगदी शहरे मात पिता जी तुम शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिन औरण दूजा तेरे बिन औरण कोई आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदी शहरे तुम पूरण परमात्म तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदी स्वामी जय दीना नाथ हरे।
वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतं केशवं ब्रह्मनारायणं कृष्णनागोत्र शिवासुदेवलोम श्रीधरं माधरं गोपिकावलोम जानकी नायक श्री राम चंद्र बजो अवगुणार की बेनती की जो नाथ सभी का पड़े सुने जो दया रीति सोतरे भव सागर पार। मैं की पुल बगारया ना कर मैला चित साहेब को रालो रिये नवर बकार उनित तुवेर माता च पिता तुमे तुमे वंतु सखा तुमे तुमे विद्या दबना तुमे तुमे शर्म मम देव ने क्षण पड़ो की लाज को तुम जानो जगती दोनों बुझाओ सार के मेरे चरणी पर की के श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम रघुपति राम पतित पावन रघुपति राज बराजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राग बराजा राम पतित पावन सीताराम राम जरो के बैठी बहुत धन्यवाद।